हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे कुछ ऐसे प्लांट जो कि छोटे छोटे प्लांटर में लगाए जा सकते हैं। अक्सर हमारे गार्डन में, घर में ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम बड़े बड़े पॉट नहीं रख सकते हैं, फिर हमारे पास ऑप्शन होता है छोटे छोटे पॉट्स का। या फिर कई बार हमारे घर में ऐसी चीज़ें वेस्ट हो जाती है जैसे कि पुरानी ग्लासेस, मग्स वगैरह, जो कि हमें फेंकने का मन नहीं होता है और उसे हम प्लांट लगाना चाहते हैं उसमें। तो किस तरीके से हम उन चीज़ों को, वेस्ट चीज़ों को दोबारा से रीयूज़ करें प्लांट लगा के, तो कौन से प्लांट हमें छोटे छोटे पॉट में लगाने चाहिए, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो हर तरह के प्लांट छोटे छोटे पॉट में नहीं लगाए जा सकते। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि स्लो ग्रोइंग होते हैं या छोटे छोटे पॉट में ईजिली सर्वाइव करते हैं, वैसे ही प्लांट सेलेक्ट करके हमें छोटे छोटे पॉट में लगाने पड़ते हैं। तो कौन से ऐसे प्लांट हैं, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बेस्ट है छोटे पॉट के लिए, वो है सकुलेंट्स। हर तरह के सकुलेंट्स जो भी होते हैं वो उनकी जो रूट्स होती हैं वो ऊपर ऊपर तक रहती हैं, डीप नहीं जाती हैं, इसलिए सारे सकुलेंट्स को छोटे छोटे पॉट्स में लगाया जा सकता है और बहुत ही क्यूट लगते हैं छोटे छोटे पॉट में सकुलेंट लगे हुए। तो फर्स्ट है सकुलेंट। इसी तरह से सेकंड जो ऑप्शन है वो है कैक्टस का। कैक्टस भी छोटे छोटे पॉट में ईजिली सर्वाइव करते हैं। आजकल कैक्टस की ढेरों वेराइटीज़ आती हैं, ढेरों तरह के ऑप्शन हैं जिन्हें हम छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है वो है मेरा मोस्ट फेवरेट प्लांट, बोलीवियन जू। बोलीवियन जू छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं आराम से। मैंने इसे अपने गार्डन में कई तरह के प्लांटर में लगाया है, कभी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। ये हैंगिंग्स में भी अच्छे लगते हैं और बहुत ही छोटे से छोटे स्पेस पे हो जाते, ईजी मेंटेन प्लांट है, तो इसे ज़रूर ऐड करें छोटे प्लांटर पे। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे है वो है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी बहुत छोटे छोटे पॉट में ईजिली ग्रो हो जाती है, हैंगिंग प्लांट है एक तरह से ये, सॉरी ये टेंगल हार्ट वाइन है, और टर्टल वाइन को भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पर्पल हार्ट वाइन। ये भी प्लांट छोटे छोटे प्लांटर में चल जाता है, वाइन के जैसे फैलता है और इसमें फ्लावर भी आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बेबी टीयर्स, छोटी छोटी पत्तियों वाला ये ग्रीन प्लांट बहुत ही प्यारा लगता है, छोटे छोटे प्लांटर में ईजिली ग्रो हो जाता है, तो ये है बेबी टीयर्स। इसके बाद जो है वो है क्रेसुला। ये प्लांट काफ़ी शुभ माना जाता है और छोटे छोटे पॉट में ईजिली लग जाता है। नेक्स्ट जो है वो है रबड़ प्लांट। रबड़ प्लांट काफ़ी स्लो ग्रोइंग इंडोर एयर प्योरीफायर प्लांट है, जिसे आप छोटे पॉट में आसानी से लगा सकते हैं। अब मैं आपके साथ अपने ही गार्डन के कुछ ऑप्शन शेयर करूंगी। ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम की कई वेराइटीज़ आती हैं जिन्हें आप आसानी से छोटे छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी ये प्लांट चल जाते हैं। इसी तरह से स्पाइडर प्लांट भी छोटे पॉट में आसानी से चलता है। ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट को हम सभी जानते हैं कि ये हर तरह के पॉट में चल जाता है, हैंग भी करता है, बल्कि इसकी कटिंग को तो हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, तो किसी बॉटल में पानी भर के हम इसे आसानी से लगा सकते हैं। वो ऊपर देखिए छोटा सा एक प्लांटर है आइसक्रीम का, ये एक मटकी जैसा था जिसमें मैंने कैक्टस लगाया और काफ़ी दिन से ये इसी में लगा हुआ है और काफ़ी क्यूट सा ये ग्रो हो रहा है। इसी तरह से ये कप में मैंने ये जो कैक्टस लगाया ये साल भर से ऊपर हो गया, उसी में है। इसी तरह से जेड प्लांट भी काफ़ी आसानी से छोटे छोटे पॉट में चल जाता है। अभी चार दिन पहले ही मैंने इस वाले प्लांटर में ये कुछ कटिंग्स लगाई हैं जो कि आराम से लग जाएंगी। और इसी तरह से ये देखिए स्नेक प्लांट की भी आजकल ढेरों वेराइटीज़ आती हैं, ये भी छोटे छोटे पॉट में चल जाते हैं। एलोवेरा के बेबी पप्स को भी निकाल के आप छोटे छोटे प्लांटर में आसानी से लगा सकते हैं, इन्हें हम इंडोर भी रख सकते हैं। शेड लविंग प्लांट है ये एलोवेरा के, धूप में इसकी पत्तियां इस तरह से रेड रेड होने लगती हैं। वैसे तो हम एडेनियम को भी रख सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन इसे धूप में रखना पड़ेगा। ये है डेविल्स बैकबोन, इसकी कटिंग को भी हम आसानी से छोटे छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं। ये है यक्का प्लांट जिस पे कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला है। इसके अगर आपको बेबी प्लांट मिल जाते हैं, छोटे प्लांट मिल जाते हैं, तो उसे आप छोटे प्लांटर में डाल सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी स्लो ग्रोइंग प्लांट है। बाद में जब ये बड़ा होने लगे तो आप इसे बड़े प्लांट में पॉट में शिफ्ट कर दें, तो वो अच्छे से ग्रो हो जाता है। ये है पेंडानस।
पेंडानस को भी आप जो साइड से शूट निकलती हैं इनको डिवाइड करके छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हो। काफ़ी दिन तक ये छोटे पॉट में चल जाता है, उसके बाद फिर आपको इसे बड़ा पॉट देना पड़ेगा जब इसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये बिल्कुल स्पाइडर प्लांट जैसे दिखते हैं, लेकिन ये स्पाइडर प्लांट नहीं है, ये थोड़ा धूप को पसंद करते हैं। स्नेक प्लांट मैंने रबर प्लांट मैंने दिखाया, तो ये मेरा जो है ये कटिंग से ग्रो किए हुए रबर प्लांट है जिनको मैंने कई सारे पॉट्स में, छोटे बड़े पॉट्स में लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए रियो प्लांट है, रियो प्लांट के भी आप जो साइड से प्लांट निकलते हैं उन्हें आप सेपरेट करके और छोटे छोटे पॉट में आसानी से लगा सकते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया ये ड्रेसिना की वैरायटी है, ड्रेसिना की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं इनकी कटिंग्स को आप छोटे छोटे पॉट में लगाइए तो वो इजीली ग्रो हो जाती हैं, बाद में फिर आप इसे बड़े पॉट में डाल सकते हैं। ये है एग्लोनिमा, चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट कहलाता है, ये शेड लविंग प्लांट है। इसके भी जो प्लांट होते हैं आप छोटे छोटे पॉट में लगाइए क्योंकि ये भी थोड़ा स्लो ग्रोइंग टाइप का प्लांट होता है। ढेरों वैरायटीज़ आती हैं एग्लोनिमा में, ये पोल्का डॉट और इसे भी छोटे पॉट में लगाया जा सकता है। यहाँ पर मैं कुछ हैंगिंग बास्केट के ऑप्शन दिखा रही हूँ आपको कि अगर आप हैंगिंग्स में, छोटी छोटी हैंगिंग्स में प्लांट लगाना चाहें तो ये सारे जितने भी प्लांट आप देख रहे हो, वंडरिंग जू है और टर्टल वाइन, टेंगल हार्ट वाइन, ये सारे के सारे आप छोटे छोटे प्लांटर में लगा सकते हो। इवन अगर आपको फ्लावरिंग वाले ऑप्शन चाहिए तो आप मोश रोज और पर्सलिन लगाइए जो कि बहुत अच्छे से छोटे छोटे पॉट में चल जाते हैं, फ्लावरिंग भी देते हैं, लेकिन इन्हें आपको 6-7 घंटे की धूप देनी पड़ेगी। ये है अजवाइन, अजवाइन को भी आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हो, इनकी कटिंग काफ़ी आसानी से लग जाती है। तो 5-6 इंच की कटिंग लेके आप छोटे पॉट में लगाइए, काफ़ी आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। ये है कलांचू की वेरीगेटेड वैरायटी जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है और इसे भी हम छोटे पॉट में आसानी से लगा सकते हैं। ये भी एक स्नेक प्लांट है, देखिए इस तरह से बेबी प्लांट जो निकलते हैं उनको हम छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कई सारे ऑप्शन आपके साथ शेयर कर दिए जिनको हम छोटे छोटे पॉट में इजीली लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं एक वीडियो लाऊंगी कि छोटे छोटे पॉट में जो कि बिना होल वाले कप होते हैं उनमें हम प्लांट लगाएं कैसे, क्योंकि पॉट में होल होना तो ज़रूरी है और जो कप वगैरह होते हैं उनमें होल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनमें हम किस तरह से प्लांट लगाएं इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। अगर आप वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।